जौनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे बाहुबली धनंजय सिंह को जेल भेजा गया। धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। जौनपुर जिले के बाहुबली नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर अपहरण मामले में दोषी करार दिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है, जिससे उनके समर्थकों में मायूसी छा गई है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह व उनके सहयोगी संतोष विक्रम को अपहरण व रंगदारी मांगने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी द्वारा मंगलवार को दोषी करार दिया गया। जौनपुर के नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण रंगदारी मांगने व अन्य धाराओं में धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम पर मुकदमा दर्ज कराया था और कहा था कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए। वहां धनंजय सिंह वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाए। इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी गई है। मामले में FIR दर्ज कर पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में जमानत मिल गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया था। इसी मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी करार दिया है। धनंजय सिंह 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जौनपुर में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें जेल भेज दिया गया है।